तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एंड एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्यों मैंने मेरा Redmi Note 10 Pro Max को मैंने आई गॉट रिड ऑफ इट। मैं क्यों ऐसा किया वो भी आपको बताऊंगा एंड क्यों मैंने गैलेक्सी M31S पे क्यों स्विच किया मैं वो भी बताऊंगा। मैंने एक्चुअली M31S का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का वीडियो मैंने बना दिया हूँ, वो वीडियो चेकआउट करना भूलिए मत क्योंकि उसमें मैंने सारे डिटेल्स बता दिया हूँ ये फोन के बारे में। तो मैं आज बात करूंगा क्यों मैंने वो स्विच किया, क्यों मैंने उसको डिच किया Redmi Note 10 Pro Max को। मैंने चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं उसके बारे में ऑलरेडी, उसके रिव्यूज, उसका अनबॉक्सिंग सब बना दिया है, वो भी जाके चेकआउट कीजिए। एंड मैं भी बोलना चाहूंगा कि वो फोन जो है वो बुरा फोन तो बिल्कुल भी नहीं था। हार्डवेयर के हिसाब से आपको बहुत अच्छे स्पेक्स देखने को मिल रहे थे, 120 हर्ट्ज का स्क्रीन, फिर 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 8128 का स्टोरेज, मेरा 8128 वाला वेरिएंट था बाय द वे, तो वो सब हार्डवेयर के हिसाब से बहुत अच्छा फोन था। मैंने फोन की बहुत तारीफ भी की है वीडियो में बिकॉज मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा था। बट ये बात था वो फोन बेचने के टाइम तक ही, उसके दो दिन या तीन दिन पहले मुझे एक MIUI का अपडेट आया था, 12.5.1 था कि 2 था मुझे याद नहीं है, बट वो एक अपडेट था जो कि एक जुलाई अपडेट था एंड इट वॉज अ फीचर अपडेट एंड अ सिक्योरिटी पैच अपडेट। उसमें लिखा हुआ था कि कुछ छोटे मोटे बग्स वगैरह फिक्स हुए हैं एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बग फिक्सेस, सिक्योरिटी पैच अपडेट भी है एंड बहुत कुछ भी उसमें अपडेट हुआ है। तो मुझे लगा ये अपडेट करना सही रहेगा। बट जब मैंने जैसे ही फ़ोन को मैंने अपडेट किया, मैं दो दिन से नोटिस किया कि रात को जब मैं फ़ोन को रात को 95% चार्ज करता था, चार्ज करके मैं मतलब चार्ज से निकाल के उसको सो जाता था बिकॉज उसका चार्जिंग टाइम बहुत अच्छा था, 1 hour 15 minutes में हो जाता था, वो अराउंड 20 से 90 तो क्रॉस कर ही लेता था। तो मैं उसको 93% 95% तक उसको चार्ज करके मैं सो जाता था। सुबह उठ के देखो तो वो बैटरी आ जाता था सीधा 75 पे। तो मैं रात को मैं जब भी चेक करता था कि अरे मतलब क्या चल रहा है, बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे हैं कुछ, क्या चल रहा है, ये चल रहा है, मैंने वो सब कुछ हटाया, मैंने सारे बैकग्राउंड ऐप्स को स्लीप पे डाला, बट फिर भी वो इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। तो इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि अरे ये MIUI के अपडेट ने अगर ऐसा किया है तो मैं फोरम्स वगैरह पे भी जाके चेक किया। MIUI का आपको फोरम मिल जाएगा Xiaomi के, उस पर सब डिस्कशन होता है। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि एक इसके Xiaomi के एक रिप्रेजेंटेटिव ने ये चीज़ को एक्नॉलेज किया कि Redmi Note 10 Pro Max में एक बैटरी ड्रेन का इश्यू है। एंड मुझे बहुत लोग कॉमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर फोन हीट होता है क्या, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है क्या, और ये क्वेश्चंस थे ये प्रॉब्लम आने के पहले, ये अपडेट के पहले, जब वो फोन में एक भी इश्यू नहीं था, बैटरी लाइफ तो एकदम आउटस्टैंडिंग था, दो दिन का बैटरी मिलता था फुल 120 हर्ट्ज पे चला के। अपडेट आने के बाद मुझे स्क्रीन ऑन टाइम हार्डली 4 hours का मिलने लगा, फोन हीट होने लग गया, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि अरे ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये क्या मतलब, मैंने फोन के बारे में इतना अच्छी बात बोली और Xiaomi ने अपडेट भेज के उसको खराब कर दिया, तो मुझे लिटरली ऐसी वाली फीलिंग आई। तो अभी आप में से जिसने भी मेरा वीडियोस वगैरह देख के मैंने आपको सजेस्ट किया फोन लेने का, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि फोन घटिया है, बट अगर आपने अभी फोन ले लिया है तो आप Xiaomi की तरफ से अपडेट का वेट कीजिए, बिकॉज जब भी जैसे ही आई थिंक Xiaomi कर ही देगा इसको, फिक्स कर ही देगा 100% बिकॉज उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया है फोरम्स पे। तो आप उसके लिए ट्यून इन रहिए और तब तक के लिए जितना हो सके बैकग्राउंड एप्लीकेशंस वगैरह को आप स्लीप पे रखिए एंड ज्यादा फोन मतलब 120 हर्ट्ज पे मत यूज कीजिए, 60 पे यूज कीजिए, थोड़ा आपको 1-2 महीना सहन करना पड़ेगा बिकॉज वो अपडेट के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरा भी फोन में प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो मैं इसलिए डिसाइड किया कि जो भी Xiaomi का कोई हार्डकोर फैन रहेगा जिसको मतलब ये सबसे फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने उसको वो फोन दे दिया। एंड इन एक्सचेंज मुझे जिस फोन पे सबसे ज्यादा भरोसा है, मैं एक्चुअली ये वाला फोन से अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये है गैलेक्सी A50s, ये इससे मैं सारे वीडियोज मेरे रिकॉर्ड और एडिट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास और कोई ऐसा एडिटिंग का ये सॉफ्टवेयर तो है नहीं वगैरह, जैसे मैं फोन से इसको एडिट करता हूँ, PC पे भी एडिट करता हूँ थोड़ा, सो ये फोन से भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसका भी मैं सोच रहा हूँ कि डालूं एक अनबॉक्सिंग और ये, बिकॉज ये फोन को अराउंड मुझे 2 years हो गए, 2 years के ऊपर हो गए एंड ये फोन तो बिल्कुल भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिया इसने, एकदम परफेक्ट चलता है MIUI के, MIUI बोल रहा हूँ सॉरी, सैमसंग के MIUI के अपडेट के बाद ये बहुत 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 बढ़िया हो गया है। M31S भी सेम, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, एक छोटा सा इश्यू है जो कि वो इश्यू नहीं बोल सकते, वो अपडेट के बाद लोगों को वो पता नहीं है उसके बारे में क्या करना है, तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होगा, मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, जिसमें से भी आपको जिसको भी तकलीफ हो रहा है वो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मैंने क्यों बेचा वो फोन, बिकॉज मुझे कैसा रहता है, मुझे अर्जेंसी रहता है, मतलब मुझे फोन में अगर ऐसा कुछ इश्यूज आता है
तो मैं वेट नहीं कर सकता उसको फिक्स होने का। मुझे अर्जेंटली मतलब मुझे फोन दिन भर यूज करना रहता है, कभी कभी मैं काम वगैरह पे रहता हूँ तो मुझे फोन चाहिए रहता है तभी ड्रॉइंग्स वगैरह जो भी देखने को। सो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, सो इसलिए मैंने उसको सेल किया। और ये सोचा कि अगर मैं एक दूसरा फोन लूंगा तो मैं कौन सा मतलब ऐसा फोन लूँ जो आप व्यूअर्स को भी अच्छा सजेशन हो, एंड वो हिसाब से मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा फोन है। मैं इसका वो बता दूंगा जो अभी इश्यूज का क्या फिक्स है वो मैं बता दूंगा, बहुत इजी फिक्सेस है और वो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या मदरबोर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो Redmi Note 10 Pro Max या Redmi Note का जो भी सीरीज है उसका मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि घटिया फोन है, ऐसा भी नहीं बोल सकता कि बहुत अच्छा फोन है, जस्ट बिकॉज MIUI की वजह से वो फोन्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो फोन को। वो जो Redmi Note 10 का सीरीज है वो पीछे खींच रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द UI। मैं Xiaomi अभी भी मेरा ये क्वेश्चन है Xiaomi से कि क्यों आप MIUI दे रहे हो, इट इज नॉट एट पार विथ जो भी स्टॉक एंड्रॉइड आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, बिकॉज 8GB रैम बोलने को है मिलता 4GB है सिर्फ, बिकॉज बाकी का तो रैम पूरा का पूरा MIUI खाया रहता है, उसको हम लोग क्लियर भी कर नहीं सकते। आप रोम वगैरह फ्लैश करोगे तो उसका पता नहीं कि फोन कितने दिन टिकेगा, खराब हो जाएगा, क्या होगा आपको पता नहीं। तो मैं इसीलिए वही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल आप अगर आप MIUI ही आपको पसंद है तो आप ले लीजिए फोन और वो अपडेट का वेट कीजिए, बिकॉज अभी मेरे हिसाब से वो लेना अच्छा टाइम नहीं रहेगा, बिकॉज उसका वो एक इश्यू आ रहा है वो अपडेट के बाद, और कुछ लोगों को उसके पहले से इश्यू आ रहा था तो उनके लिए भी पता नहीं क्या है, बट मेरे टाइम पे तो आया नहीं, वो मेरे अपडेट के बाद शुरू हुआ, वो अभी रिसेंट जो जुलाई का अपडेट आया उसके बाद से शुरू हुआ। तो आप में से मैं जो भी ये व्यूअर्स वो अपडेट करने से पहले देख रहा है प्लीज अपडेट मत कीजिए फोन को, अगर आपके फोन में इश्यू नहीं आ रहा है तो अपडेट मत कीजिए, आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो फिक्स भी हो जाए, लेकिन अगर आपके फोन में वो इश्यू नहीं आ रहा है तो अपडेट बिल्कुल भी मत कीजिए, बिकॉज आप में वो इश्यू शुरू हो सकता है फिर से। तो यही है, ये वीडियो के लिए इतना ही था, बिकॉज मैं वो कहना चाह रहा था कि मैं क्यों ऐसा किया, वो रीजन क्या था, इतना अच्छा फोन है क्यों मैंने किया, सो दैट वॉज द रीजन। सो होप आपको एक नॉलेज मिल गया रहेगा तो, और आपको वीडियो पसंद भी आया रहेगा। मेरे दूसरे वीडियोस चेकआउट करना मत भूलिए, मैंने चैनल पे बहुत गेमिंग वीडियोस भी डाला हूँ एंड बहुत टेक के वीडियोस डाला हूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड मैं ऐसी फन के लिए वीडियोस बनाता हूँ, मैं ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन रखता नहीं कि बहुत सारे लोग आके देखेंगे मैं बहुत फेमस होऊंगा, ऐसा मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं खाली ऐसी मजे के लिए बनाता रहता हूँ क्योंकि मैं बहुत फोन्स चेंज करता हूँ, तो मैं इसलिए सोचता हूँ कि वीडियोस बना के डालना, लोगों को भी बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। हाँ, एंड बाय द वे A50s जो मैंने खरीदा है ये भी एक्चुअली सेकंड हैंड लिया है, ये भी नया फोन नहीं है, तो मैं आपको इसका भी पूरा हिस्ट्री बता दूंगा, उसके लिए एक वीडियो में ट्यून इन, आप चैनल पे ट्यून इन रहिए, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।